Hello worthy student, my name is Ritika. Today I will teach you acid and bases. सबसे पहले हम acid base के physical properties पढ़ेंगे. Physical properties के अंदर 3 points हैं. उसका taste जानेंगे, उसका pH क्या होता है, then उसका litmus test. Then उसके बाद हम 3 theories पढ़ेंगे. Like Arrhenius theory, second one is Bronsted-Lowry theory and third one is Lewis acid base theory. तो सबसे पहले हम physical property से शुरू करते हैं. जो acid का taste होता है वो sour taste होता है. Sour यानी कि खट्टा, खट्टा स्वाद होता है acid का. Like हमने acid अपने household में भी use करा है. Like citric acid जो लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है, जब हम लेमन का जूस पीते हैं तो वो हमें खट्टा लगता है स्वाद में. देन इट्स अ पीएच, इसका जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है. लेस देन 7, 7 इज न्यूट्रल पीएच. न्यूट्रल पीएच, पीएच स्केल एक बार देख लेते हैं. पीएच स्केल जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है अप टू 14, और इसके बीच में 7 आता है जो कि न्यूट्रल पीएच होता है. इसके बिफोर वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम एसिडिक नेचर से जानते हैं, या ये एसिडिटी बताता है. जो इसके आफ्टर वाला जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो बेसिसिटी यानी कि एल्कलिनिटी को बताता है. सो ये हो गया पीएच स्केल. नाउ इसका जो लिटमस टेस्ट होता है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है. यहाँ पर एक ट्रिक टू रिमेम्बर आता है कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं. एसिड के अंदर भी डी आता है, और जब हम लिटमस टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है तो उसमें भी रेड कलर आता है. तो रेड में डी, एसिड में डी. सो दिस इज द पॉइंट टू रिमेम्बर. Now let's talk about bases. Bases के बारे में जानते हैं कि उनका physical properties क्या होती है. So base का जो taste होता है वो bitter होता है. Bitter taste यानी कि कड़वा taste, कड़वा स्वाद. अब इसके household यूजर्स के बारे में जानते हैं. जितने भी क्लीनर्स होते हैं, ओवन क्लीनर्स, कोलीन, जितने भी क्लीनर्स होते हैं, वॉशिंग हे भगवान, जितने भी क्लीनर्स होते हैं जिस यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो लाइक वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, दीज ऑल वर बेसिस. तो वो कड़वा होता है स्वाद में. इसका जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है. ये लिटमस टेस्ट जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हैं देन इट विल गिव ब्लू कलर. इसका भी एक याद करने का पॉइंट है, बेस जो है बी से शुरू होता है. लिटमस टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो ब्लू होता है. ब्लू के अंदर भी बी होता है, बेस के अंदर भी बी होता है. इससे हम ध्यान रख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो. नाउ अब हम मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड पर आते हैं. फर्स्ट इज मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक
एसिड। पहले हम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि वो छोटा है। ऑर्गेनिक एसिड का ये मतलब हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे यानी कि कार्बन डिराइव्ड कंपाउंड्स, कार्बन डिराइव्ड कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। सो सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड के कंपैरिजन में वीक एसिड होता है। इट्स एग्जांपल इज एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, इट्स फॉर्मूला इज CH3COOH, लाइक ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इट्स फॉर्मूला इज C2H2O4। दीज वर ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं सॉल्यूबल भी होते हैं, इनसॉल्यूबल भी होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। बट जो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो लेस, उनका लेस मॉलिक्यूलर वेट मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। एंड जो इनसॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर, उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। एग्जांपल ले लेते हैं लाइक बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। सॉल्यूबल का एग्जांपल ले लेते हैं लाइक लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इट्स फॉर्मूला इज HCOOH, या हम इसको लिख सकते हैं H2CO2, दो H यहाँ, 1 and 2, 2H हो गए और C1O2। सो ये हुआ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आर इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक होते हैं ये एसिड, और ये ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। इनके मिनरल एसिड्स में भी वीक मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होते हैं। ये जो है सारे वो है स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, ये सब है स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। एंड वीक मिनरल एसिड्स भी होते हैं, वीक मिनरल एसिड्स भी होते हैं लाइक H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, आई विल इरेज दिस पार्ट, सल्फ्यूरस एसिड एंड HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HNO2, नाइट्रस एसिड, दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ वीक मिनरल एसिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसोसिएशन कांस्टेंट। आई होप यू कैन राइट इट डाउन। Now it's time to talk about dissociation, dissociation
constant. डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्लैश कर देते हैं, इसका दूसरा नाम मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के ए एसिड के लिए एंड के बी फॉर बेस के लिए यूज़ करते हैं. स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो ग्रेटर देन वन होता है, ग्रेटर देन वन होता है. बिकॉज स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड का मतलब होता है कि जब हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में टूट जाएगा. सो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड हम लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड दे कम्प्लीटली dissociate into its constituent ions. But अगर हम बात करें so sorry guys, जब मैं लिख रही थी तब मैंने देखा कि वीडियो जो है वो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के बाद पॉज हो गई है तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं अभी समझा देती हूँ. मैंने उस टाइम लिख लिया था. सो वीक मिनरल एसिड की डेफिनेशन लिखी है दे डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स. जब हम वीक मिनरल एसिड्स को एसिटिक एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, या वाटर लो या अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, कोई भी सॉल्वेंट हम ले सकते हैं जो इसमें मेंशन होगा, जहाँ पर मेंशन होगा, तो वो उसके जो आयन्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इसे वीक मिनरल एसिड बोलते हैं. ना डिसोसिएट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इनके बीच में एसिटिक एसिड के बीच में CH3COOH के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है इन मॉलिक्यूल के बीच में, इन एटम्स के बीच में. सेकंड रीज़न इसकी स्पिरेंजली सॉल्यूबल प्रॉपर्टी के कारण, स्पिरेंजली मतलब कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं हो सकते, आधे सॉल्यूबल होंगे कुछ रह जाएंगे, ये भी हो सकता है प्रॉपर्टी. हमने स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, वीक मिनरल एसिड को डिस्क्राइब कर दिया है, उनकी डेफिनेशन लिख दी है. अब हम ग्रेटर देन वन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड इज ग्रेटर देन वन को प्रूव करते हैं, और उसके बाद में एंड इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं थोड़ी सी. सो सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ए, हम अभी एसिड ही का पढ़ेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा जो कंसर्न करना है वो ग्रेटर देन वन के लिए करना है, और ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो एसिड के लिए है. तो जो के ए है उसको लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जितना ज़्यादा के ए वैल्यू होगी उतना ही एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, सेम एज विद के बी, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा के भी उतनी बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी बेस की वो ज़्यादा होगी. सो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या डिसोसिएशन कांस्टेंट को
रिप्रेजेंट करने का तरीका अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसोसिएशन कांस्टेंट। सपोज डैट कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 1 है, इसका मतलब हुआ कि जो मोलैरिटी है रिएक्टेंट की वो मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट के सेम है। इसका मतलब हुआ कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वह 1 है। अगर हम बात करें ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन कांस्टेंट की, इसका मतलब हुआ सपोज डेट HCl की हम बात करते हैं, क्योंकि HCl इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, और इसी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो HCl जो है डिसोसिएट हो जाएगा H+ आयंस में और Cl नेगेटिव आयंस में। सो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब HCl जो है